उत्तराखंड में जोशीमठ में डेम तूटता भारे तबाही सर्जाई छे। डेम तूटता अनेक लोग पानी प्रवाह में तणाया, तो डेम पास काम कर रहे मजूरो तणाया। जोशीमठ में ग्लेशियल पड़ता डेम तूट्यो, जेना प्रवाह में अनेक मजूरो तणाया। तो उत्तराखंड जोशीमठ ना दृश्य आपने दर्शाई रहा है कि ज्या एक डेम तूट्यो अने ते बाद भारी तबाही मची। डेमना पाणीना प्रवाहमां अनेक मजूरो तणाया हता कि जे डेमनी आसपास काम करी रह्या हता ते मजूरो तणाया छे। जोशीमठमां ग्लेशियल पड़ता डेम तूट्यो अने ते बाद आ तबाहीना दृश्य आपनी समक्ष। तो जोशीमठना दृश्य आपने दर्शाई रहा है, उत्तराखंडना जोशीमठना दृश्य के ज्या डेम पासे डेम तूट्यो अने डेमनी पासे जे मजूरो काम करी रहा था ते पाणीना प्रवाहमां। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है। जो इस समय इस नदी को क्या बोलते विष्णुवरी धौरी गंगा जो है तबाही मचा रही है। मैं नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली कर्णप्रयाग श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई तार फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दे सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ की ये तस्वीरें हम सबको चिंता से भर देने वाली तस्वीरें हैं। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बांध के पास बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो कि काम कर रहे थे, उनके बहने की खबर आ रही है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इस बारे में अभी पता लगाना बहुत मुश्किल है, कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी ये तबाही झेल रहा है उत्तराखंड का जोशीमठ। और रेस्क्यू ऑपरेशन में सारी टीमों को लगा दिया गया है। जो भी डिपार्टमेंट ऐसी आपदा के वक्त सक्रिय रहते हैं, जिनका काम होता है ऐसे वक्त में अलर्ट हो जाना, वो अलर्ट मोड में आ चुके हैं, काम शुरू हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन का। लेकिन तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जोशीमठ में पहाड़ से निकलती सुनामी नजर आ रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार, जो तस्वीरें हैं वो भयानक हैं, भयावह हैं। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ी देर पहले यह कहा है कि सभी एजेंसियों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया है। कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है, तबाही कितनी बड़ी है? देखिए समीर, 2006 में ये तपोवन विष्णु गार्ड जो है परियोजना, उसकी शुरुआत हुई थी और ये एक तरह से कंप्लीशन की तरफ जा रहा था ये जो प्रोजेक्ट है। और इस हाइड्रो प्रोजेक्ट की तो यहाँ बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे थे। मैं थोड़े दिन पहले ही अभी जोशीमठ के इलाके से घूम के आया था और मैं तस्वीरों में समझ सकता हूँ कि अगर ग्लेशियर टूटा है, और ग्लेशियर के बारे में बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूट के सीधे इसी इलाके में आके गिरा है पानी पे, तो एक बहुत बड़ा फोर्स जो है वो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास लगा है। तो बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में तबाही हो रही है। अब तबाही का अंदाजा, जो जान माल का नुकसान है, कितने लोग हैं ये कहना मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 से 250 लोग काम कर रहे थे, और आज जो है मौसम जो है वहाँ पे खुला हुआ था, सनी वेदर था, तो इसका मतलब है कि काम करने वाले और भी ज्यादा लोग वहाँ पे आए होंगे। ऐसे में किस तरीके से फोर्स ने वहाँ पे वाटर फोर्स ने पूरे इसको इंस्टीट्यूट को तबाह किया है, ये आकलन अभी कोई नहीं लगा पा रहा है। नीचे लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि पानी अभी भी उतने ही फोर्स से आ रहा है। जब एक बार ग्लेशियर टूटता है समीर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गांधी सरोवर के ऊपर ग्लेशियर गिरा था तो पूरी की पूरी केदार घाटी से लेकर रामबाड़ा तक तबाह हो गया था। शायद यही वजह है कि जो लोग भी कह रहे हैं कि हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जारी किया गया है ताकि वो सब इलाके को बाहर ले जाती है, इसलिए सबको नीचे से खाली कराने की बात की जा रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाइड्रो प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ी तादाद में जो है लोगों को वहाँ पे काम कर रहे थे, और उन लोगों कितने लोग तबाह हुए हैं और कैसे क्या स्थिति हुई है। मैं फिर बताना चाहूंगा, 2006 में तपोवन में एनटीपीसी का विष्णु प्रयास जो है ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और वो प्रोजेक्ट पे अभी कंप्लीशन की ओर जा रहा था।
चार धाम परियोजना के तहत जो है ये प्रोजेक्ट जो है जल्द से जल्द प्रोजेक्ट खत्म करने की सोच रही थी सरकार, और उसमें जो है ये सारी परेशानी आई है। और कुमार क्योंकि आप अभी हाल ही में इस इलाके में गए थे, आप जोशीमठ पहुंचे थे, आपने देखा था, और आप जिस परियोजना का जिक्र कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का, वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा था। आपको अंदाजा होगा कि आमतौर पर यहाँ पर कितने लोग रहते थे, कितने लोग काम करते थे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में, क्योंकि अब ये चिंताजनक खबर आ रही है कुमार हमारे पास कि बहुत सारे मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए। क्या हुआ होगा, आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको जरा एक बार भौगोलिक एरिया के बारे में समीर बताना चाहूंगा कि जोशीमठ से ऊपर अगर हम बात करें तो जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके पीछे से नदी आती है, और वो नदी आगे आके ठीक है। नैनीताल के सांसद इस वक्त अजय भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है।